जय श्री गणेश। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हमने बैसाख मास का वर्णन लगातार जारी रखा है और उसी क्रम में बढ़ते हुए महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में बैसाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना, इस प्रसंग का वाचन मैं कर रहा हूँ। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब बैसाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राश प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उसकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? यह आप जरूर सुने। सुखदेव जी ने कहा, राजन, पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही पुरुष अधिक हैं, उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है, इसलिए यह यज्ञ आदि पुण्यकर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएँ लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। निष्काम भाव से जो किया जाता है और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करने वाला होता है, देवमाया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाक वंश के भूषण तथा महाराज नृक के पुत्र थे। संसार में उनका राजस्व था, वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बहुत आदर एवं सम्मान था। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। बैसाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौसला बनाते थे, कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को लेकर स्वच्छ बावली बनाते थे, कहीं वृक्ष के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे, कहीं ऊब देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते। दोपहरी में लोगों को छाया देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर श्राप किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालू को बिछाते और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूले लगाते थे। उन्हें देखकर राजन ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या कर रहे हो? वे बोले, बैसाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय बताने के लिए अवकाश नहीं है, आप गुरु जी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए, वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों का यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों के ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, गए। राजन को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महाराजा का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नतापूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा, किंतु उनके संबंध में जब प्रश्न किया तो उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। मेरे मन में धर्म को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उसका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्म के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। बैसाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित फल वस्त्र प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपद समस्त पापराज
का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से संपन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं भगवान विष्णु की भक्ति से पूजित होकर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करते रहना चाहिए। जगदीश्वर श्रीहरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भोपाल, तुम वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भलीभांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्तिभाव से पूजन किया और घर आकर वे सभी धर्मों का विधिपूर्वक पालन करने लगी। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवदेवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य में डंकी की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय बद्ध तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र पत्नी तथा सुहित जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार हौसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी नियुक्त की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। उस समय चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्य को विष्णुलोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णुलोक में चले जाने से यमपुरी के स्तंभ खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं है। चित्रगुप्त तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज का कारण बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद इस समय पृथ्वी पर जो है राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनिशेष उस राजा ने उस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहाँ बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपयोग करता है वह 300 कल्पों तक तिर्यक यौन रूप में नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह बिलाव होता है। देव मैं आपकी आज्ञा से धर्म और प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथनानुसार पुण्यात्माओं को पुण्य के फल से और पापात्माओं के पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्यकर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं।
उनके मरे हुए पितर और पितामह आदि विश्वलोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के विद्या ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विश्वलोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जो वैशाख मास से मिल रही है। संपूर्ण तीर्थ से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रत से तथा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म का कथाश्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विश्वलोक का स्वामी होता है और जगतपद भगवान विष्णु के लोक तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है। सब ओर से कोट कोट प्राणियों का समुदाय वहाँ पहुँच रहा है तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजाओं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विश्वलोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण देने वाला है जान पड़ता है। वह समस्त संसार को विश्वलोक में पहुँचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वो पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुए रोग हैं। वह अधम पुरुष अपनी माता को घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में किसी को नहीं सुनाया गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। यह यमराज ने ब्रह्मा जी से शिकायत की और पूरी कथा में आपने देखा कि किस तरह से वैशाख के बहुत सूक्ष्म अनुष्ठान से सब मोक्ष को प्राप्त कर रहे थे। इसलिए आप भी वैशाख मास की महत्व को समझें और इस वाचन में बताए गए कर्मों को करने का प्रयास करें। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय।